हरामखोर का शूट मसान से 2 साल पहले हो गया था, तो उस वे में हरामखोर मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट मिल रहा है हरामखोर में। तो मेरी दो दो फिल्म हो गई हैं, लोगों को एक मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो कंप्लेंट्स। तो मैं हरामखोर देखने आया हूँ, मैंने पिक्चर अभी तक देखी नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी उम्मीदें लेके आया हूँ, क्योंकि गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप बहुत हटके अलग किस्म की फिल्म बनाते हैं, और श्लोक शर्मा की ये पहली पिक्चर है और मैंने बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि पिक्चर उतनी ही तारीफ़ के काबिल हो जितनी उम्मीदें मैं लेकर आया हूँ। खास वजह श्लोक शर्मा, मैं वासेपुर के समय से, उस समय वासेपुर में मदद कर रहे थे ये, उस समय से मैं जानता हूँ कि बहुत ही कमाल के टैलेंट हैं और ये मुझे काम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी फिल्म देख लूँगा, आज तो कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन हरामखोर के बारे में बहुत सुना है और ये हमारे डायरेक्टर जो हैं अब वासेपुर के समय से हमें काम नहीं दे रहे हैं, तो मैं आज आया हूँ मैं स्ट्रगल करने के लिए कि हरामखोर देखूँगा। और अच्छा, अच्छी फिल्म है, नवाज़ ने काम किया है, मैंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो नवाज़ ने किया, मेरा दोस्त है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही फाइनली मेड हिज फर्स्ट फिल्म एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जहाँ पर एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिलेशनशिप के बारे में बताया था, और मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैंने वो स्टोरी को फॉलो किया, तो वहाँ पर उस स्कूल टीचर को गधे पे बैठाया था, मुंह पे कालिक लगाई थी, और जो लड़की थी उसके मुंह पे खूब चांटे वांटे मारे थे, उसको रोड पे घुमाया था। तो मुझे लगा कि हम कभी भी वो कहानी के अंदर जाके देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ होगा और वो लड़की क्यों अट्रैक्टेड होगी उस स्कूल टीचर के साथ, जो कि उससे शायद उम्र में ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे ये मुझे इस आइडिया पे काम करने का मन किया, मैंने मुझे एक 15 साल की लड़की किस तरह से सोचती है वो बताना था, और हरामखोर में वो सब आपको देखने को मिलेगा। टुनाइट जस्ट एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, आई एम स्टैंडिंग विद आउटस्टैंडिंग मेकर्स एंड या जस्ट एन आउटस्टैंडिंग फिल्म या बट आई थिंक श्लोक इज अ ग्रेट डायरेक्टर, दिस जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। आई एम वॉचिंग दिस फिल्म फॉर द 4th टाइम, सो आई लव इट सो मच बिकॉज हिज क्राफ्ट इज ग्रेट, हिज ह्यूमर इज अमेजिंग, हिज स्टोरी टेलिंग इज गुड, एंड एवरीथिंग दैट ही डज दैट यू नीड एज अ गुड फिल्म मेकर इज आउट देयर इन श्लोक, सो आई थिंक या ही इज देयर। आई थिंक एट लीस्ट वन द फिल्म रिलीज ही हो गई, अपने मतलब फिल्म बनाने के बाद जब रिलीज करने के प्रोसेस में इतना समय लगा है, क्योंकि मुझे पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर हमारी मतलब जितनी भी फिल्मों के साथ एसोसिएट हुआ हूँ मैं, आई थिंक दिस इज द फिल्म दैट आई एम द वन ऑफ सो ये फिल्म को इतने हम लोग इतने साल इसलिए लड़े इस फिल्म के लिए, हमें फिल्म बाहर निकालनी थी। मैं तो तीसरी में था जब मुझे मेरी टीचर पर क्रश था, मतलब मेरे को मेरी एक मेरे वो इंग्लिश पढ़ाती थी, उनका नाम सिस्टर लिंडा था, ओवरा में जहाँ पर मैंने वासेपुर शूट किया, तो मैं तीसरी की उम्र में हमें क्रश था, हम उनको आते थे क्लास में, हम ऐसे देखते थे, उस सब्जेक्ट में कभी पास नहीं हुए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट फिल्म एंड ऑब्वियसली ग्रेट परफॉर्मेंसेज बिकॉज लुक एट द एक्टर्स वी आर गोना बी वॉचिंग, रियली एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वेरी थैंकफुल दैट गुनीत एक्चुअली कॉल्ड मी फॉर इट, बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हरामखोर। 4 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, तो बहुत खुशी कि आज ये इस तरह से पिक्चर का रिएक्शन है, सो फीलिंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड ऐसा लगता है कि देर आए चलो दुरुस्त आए।